हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम हैवी वर्क वाले ब्लाउज की स्टिचिंग करना सीखेंगे। हैवी यहाँ पर हमारे पास वर्क वाला ब्लाउज है, ये देखिए। इसमें साइड में हमने जॉइंट डालना होगा। इसके कटिंग के वीडियो का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यहाँ पर हमने अस्तपर टक्स के निशान भी लगा रखे हैं, वो हमने आपको कटिंग के वीडियो में दिखाए थे। तो पहले हम देखिए नेक को, अस्तर वाले नेक को ऊपर वाले फैब्रिक पर अच्छे से सेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फ्रंट में डिज़ाइन दे रखी है। इसमें बैक हुक वाला ब्लाउज बनेगा। दोनों वर्क के हिसाब से हमने यहाँ पर गले की कटिंग करी है। तो पहले हम सबसे पहले नेक रेडी करेंगे। नेक डिज़ाइन के हिसाब से हमने नेक को कटिंग कर रखा है, और अपने साइज के हिसाब से। तो इसके पास पास में हम सिलाई लगा देंगे। लगभग 1/4 इंच कपड़ा हमें यहाँ पर सिलाई में लेना है। वर्क से ज़्यादा दूर रखेंगे तो इससे क्या है कि जो वर्क का लुक है वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, आधी दूरी में सिलाई लगा ली, फिर आधी दूरी में सिलाई लगाएंगे। इससे क्या है कि जो नेक है वो इधर उधर नहीं सरकता और टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं होता है। उसके बाद हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है। पहले पलट कर देख लीजिए कि बराबर सिलाई लगी है या नहीं, जैसा शेप है उसी शेप में। अब अस्तर के पास पास से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दीजिए, और जो कोने हैं और जो गोलाई है वहां पर छोटे छोटे से कट लगा दीजिए। ध्यान रखिएगा सिलाई बिल्कुल ना कटे। ये इस तरीके से छोटे से कट लगा देंगे, तो इससे अस्तर जब हम अंदर की तरफ पलटेंगे तो आसानी से हो जाएगा। फिर अस्तर को अंदर की तरफ कर लीजिए और ऊपर की तरफ एक सिलाई लगा दीजिए। पूरा अंदर की तरफ डालिएगा। ठीक है, इसमें हम बेल्ट भी लगाने वाले हैं, क्योंकि जो ब्लाउज की लंबाई है वो थोड़ी सी कम है और हमारे कस्टमर को बेल्ट वाला ब्लाउज ही चाहिए। हैवी साइज है इसलिए बेल्ट वाला ब्लाउज ज़्यादा फिट रहता है। इसमें हम बेल्ट भी लगाने वाले हैं, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, अब अस्तर को और ऊपर वाला फैब्रिक को अच्छे से सेट कर दीजिए, और फिर नीचे की तरफ एक सिलाई लगा दीजिए, ताकि जब हम इसमें टक्स वगैरह लगाएं तो ऊपर वाला फैब्रिक और अस्तर जो है इधर उधर ना सरके। अब हम जो टक्स के निशान लगा रखे उस हिसाब से इसमें टक्स लगा लेंगे। ये जो ब्लाउज है हम 39 से 40 इंच चेस्ट वालों के लिए बना रहे हैं। बीच वाला जो टक्स है उसे लगभग हमें 1 इंच से ज्यादा मोटा डालना है, और जो साइड वाला टक्स हम लगाएंगे उसमें आप 1/4 इंच कपड़ा सिलाई में ले लीजिए। 1/4 इंच कपड़ा तो आपको जरूरी लेना है, और बीच में आते आते इसे एकदम पतला कर देना है। और ठीक है, अब देखिए ये इतना कपड़ा हमने सिलाई में लिया है। अब एक टक्स हम डालेंगे आर्महोल की तरफ। इसे 1/4 इंच से थोड़ा सा ज्यादा कपड़ा लेना है इसमें सिलाई में, वरना यहाँ पर आर्महोल की तरफ कपड़ा लूज रहेगा, तो आपको लूज नहीं रखना है। इस हिसाब से इसमें 3 टक्स डाले जाएंगे, 3 इस तरफ और 3 उस तरफ, दोनों तरफ डाल दीजिए। ये कुछ इस तरीके से दोनों पार्ट रेडी कर लीजिए साइड के। ये दोनों हमने टक्स बराबर लगा लिए हैं। अब हम यहाँ पर बेल्ट ज्वाइंट करेंगे। तो बेल्ट ये वाला हमारा रेडी है कटिंग करके। पहले हम ब्लाउज में एक सेंटर मार्क बना लेते हैं, और बेल्ट में भी एक सेंटर मार्क बना के रेडी कीजिएगा। अब दोनों सेंटर मार्क मिलाएंगे, ब्लाउज का भी और बेल्ट का भी। इसमें देखिए बेल्ट का जो ऊपर वाला पार्ट है उसे ऊपर की तरफ रखिए, और जो अस्तर वाला पार्ट है उसे नीचे की तरफ रखिए। इससे क्या है जो हम बीच में सिलाई लगाएंगे वो बीच की तरफ रह जाएगी, दोनों अस्तर और ऊपर वाले फैब्रिक के, बाहर की ओर धागे वगैरह नहीं दिखेंगे। यहाँ पर रखिए, सेंटर से सिलाई लगाना स्टार्ट कीजिए। इससे क्या है दोनों तरफ कपड़ा बराबर रहेगा, वरना बेल्ट छोटा बड़ा भी हो सकता है। जो हमने टक्स में कपड़ा लिया है उसे ऊपर की तरफ कर दीजिए, उसे सिलाई में नहीं लेना है। इससे यहाँ से जो टक्स है वो खींचा खींचा सा नहीं रहेगा, उसे ऊपर की तरफ कर दीजिए सारे कपड़े को, और फिर सिलाई लगा दीजिए। इस तरीके से बेल्ट के दोनों साइड सिलाई लगा दीजिए, उसके बाद इसे नीचे कीजिए और कपड़े को अंदर की ओर डाल दीजिए, दोनों तरफ के कपड़े को, और यहाँ पर एक सिलाई लगा देनी है। ठीक है, इससे बेल्ट रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा बेल्ट भी बनकर रेडी है। आप चाहो तो इसे बिना बेल्ट वाला भी बना सकते हो। अब हम बैक पार्ट रेडी कर लेते हैं। तो अस्तर को ऊपर वाले फैब्रिक को अच्छे से एक साथ कीजिए।
अस्तर को और ऊपर वाले फैब्रिक को एक साथ करेंगे। और यहाँ पर ये देखिए हमने मार्किंग का निशान लगा रखा है, इतनी ब्लाउज की हमारी लंबाई रहेगी और बाकी हम एक्स्ट्रा पट्टी फोल्ड कर देंगे। तो इस तरीके से आप कपड़े को फोल्ड करके पहले निशान लगा लीजिए, फिर पट्टी को डबल फोल्ड करके स्टिच कर दीजिए। यहाँ पर आप चाहो तो तुरपाई भी बना सकते हो। दोनों पार्ट को एक बराबर नाप का फोल्ड कीजिएगा, छोटा और बड़ा नहीं रखना है। फिर गले की तरफ से 2 इंच दूरी पर हमें एक टक्स डालना है। तो टक्स को आप लगभग 1/2 इंच से ज़्यादा कपड़ा लीजिएगा नीचे की तरफ, और ऊपर की ओर आते आते एकदम पतला कर देना है। टक्स की जो लंबाई है वो 4 या 5 इंच से ज़्यादा न रखें, क्योंकि हैवी साइज है, बड़ा साइज का बनाते हैं तो टक्स की लंबाई वो ज़्यादा नहीं रखते हैं। ठीक है, दोनों पार्ट हमने टेरी कर लिए हैं। अब इसमें हम आई और हुक की पट्टी लगाएंगे। हुक वाली पट्टी हमें लगभग 1 इंच चौड़ी कट करनी है और आई वाली पट्टी हमें लगभग 2 इंच चौड़ी कट करनी है। हुक वाली पट्टी को हम इस तरीके से ऊपर की ओर रखेंगे, क्योंकि हम इसे पूरा अंदर की ओर फोल्ड करते हैं तो हम इसे छोटी ही कट करते हैं। इसे एक तरफ कीजिए सभी कपड़े को जो भी हमने सिलाई में लिए हैं, और इस तरीके से साइड में कर दीजिए और यहाँ पर एक सिलाई लगा दीजिए। फिर इस पट्टी को हम पूरा अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। और स्टिच लगा देंगे। अब हम आई वाली पट्टी लगा देते हैं। आई वाली जो पट्टी है वो हम बाहर की ओर फोल्ड करते हैं, तो उसे हमें अंदर की ओर रखना है। ये हम चौड़ी इसलिए कट करते हैं क्योंकि हम इस पट्टी को बढ़ा के फोल्ड करते हैं, जो हमने सिलाई लगा रखी है उसी के ऊपर इसे फोल्ड करना होता है। ये जो हमने सिलाई लगाई है इसी के ऊपर फोल्ड करके इसके ऊपर स्टिच कर दीजिए, और 1/4 इंच जगह छोड़ते हुए एक सिलाई अंदर की ओर और लगा दीजिए, पट्टी अच्छे से दब जाए। ठीक है, अब जो नेक का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी हमें कट कर लेना है, और दोनों साइड के गले का जो शेप है वो बराबर दे दीजिए। अगर आपको छोटा बड़ा दिखे तो आप एक के ऊपर एक रख के फिर से कटिंग कर सकते हो। उसके बाद हम शोल्डर्स जॉइंट करेंगे और स्लीव्स अटैच करेंगे। ये देखिए हमने नेक की अच्छे से कटिंग कर ली है। अब पहले हम पट्टी लगा देते हैं नेक पर, उसके बाद शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर हमने उरेप पट्टी कट करनी है, 3 इंची पट्टी कट करनी है, लगभग 1.5 इंच चौड़ी होनी चाहिए। इसे डबल फोल्ड कीजिए लंबाई में, और इस तरीके से यहाँ पर नेक पर रखिए, और हल्का हल्का सा इसे खींचना है। इतना भी नहीं खींचना है कि इसमें सलवटे पड़ जाए ब्लाउज में, हल्का हाथों से खींचते हुए लगा दीजिए। लगभग 1/4 इंच कपड़ा सिलाई में लीजिएगा, उससे ज़्यादा कपड़ा ना ले सिलाई में। ज़्यादा ना खींचना है, हल्के हाथों से लगाइएगा। फिर एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर दीजिए, अंदर की ओर डालिए और स्टिच कर दीजिए। इसके कटिंग का जो वीडियो का लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जैंट शेयर जरूर कीजिएगा, और आप और भी कोई वीडियोस देखना चाहते हैं सिलाई से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब अंदर की तरफ से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लीजिए। पूरी पट्टी को हम अंदर की ओर फोल्ड करेंगे, तो उसके लिए क्या है देखिए, जो गोलाई है वहाँ पर छोटे छोटे से कट लगा दीजिए। ध्यान रखिएगा सिलाई बिल्कुल नहीं कटनी चाहिए, इससे क्या है कि पट्टी जब हम अंदर की ओर फोल्ड करेंगे तो उसमें कोई सलवटें नहीं पड़ेगी। पहले सारे कपड़े को एक साइड में कीजिए और किनारे की तरफ एक सिलाई लगा दीजिए। अब पट्टी को पूरा अंदर की ओर फोल्ड कर देना है। यहाँ पर आप चाहो तो तुरपाई भी बना सकते हो और सीधी सिलाई भी लगा सकते हो, जैसी आपको पसंद हो वैसे ही। गले की जो शेप है उसी शेप में इसे करके मोड़िएगा। ऐसा नहीं कि हम गले को सीधा कर ले और फिर सिलाई लगाए, इससे क्या है कि गले की जो शेप है वो बिगड़ जाती है। दोनों साइड इसी तरीके से पट्टी लगा लीजिए और नेक को अच्छे से रेडी कर लीजिए जब अच्छी फिनिशिंग के साथ। उसके बाद देखिए शोल्डर जॉइंट करने के बाद हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को साइड में से बराबर करेंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमने जो टक्स लगाए थे उससे क्या है कि कपड़ा फ्रंट और बैक पार्ट छोटा बड़ा हो जाता है। तो आप दोनों को बराबर करके निशान लगा लीजिए, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिखे उसे कट कर दीजिए, और शोल्डर्स की तरफ से भी कपड़े को बराबर कर लीजिएगा। अस्तर के फैब्रिक को नहीं काटना है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे ही कट कीजिएगा। दोनों साइड के आर्म होल इसी तरीके से रेडी करनी है। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे, तो स्लीव्स को भी हमने रेडी कर लिया है फ्रंट की तरफ सिलाई लगा के, और इसमें जॉइंट आया था वो भी हमने डाल दिया है। स्लीव्स की जो हमने ज़्यादा कटिंग कर रखी है वो हमें फ्रंट की तरफ रखनी है। देखिए इस तरीके से स्लीव्स जॉइंट करते वक्त स्लीव्स को हमेशा ऊपर की ओर ही रखना है, और सेंटर से हम स्लीव्स जॉइंट करना स्टार्ट करेंगे। इससे क्या है कि आगे और पीछे दोनों तरफ कपड़ा बराबर रहता है। तो अब हम आधी दूरी में पहले सिलाई लगाएंगे, उसके बाद आधी दूरी में करके सिलाई लगाएंगे। इससे एकदम अच्छे से स्लीव्स रेडी होती है। स्लीव्स को हमें बिल्कुल भी नहीं खींचना है,
हल्के हाथों से लगा दीजिए। जो गोलाई वाला हिस्सा है जहाँ पर टक्स डाले हमने, वहाँ पर आप चाहो तो हल्का सा खींच सकते हो। बाकी स्लीव्स को ऐसे ही अटैच कर दीजिए। ये आधी दूरी में सिलाई लगा दी। अब हम आधी दूरी में सिलाई लगाएंगे और स्लीव्स को ऊपर की ओर ही रखेंगे। लगभग आप आधा इंच कपड़ा सिलाई में ले लीजिएगा, उससे कम या ज्यादा ना ले। स्लीव्स अटैच होने के बाद यहाँ पर हम ओवरलॉक कर देंगे, इससे क्या है कपड़े के धागे बाहर की ओर नहीं निकलेंगे। अगर आपके पास ओवरलॉक वाली मशीन नहीं है तो आप क्या करें, किनारे पर एक सिलाई लगा दीजिए एकदम किनारे पर, इससे भी कपड़े के धागे बाहर की ओर नहीं आते हैं। स्लीव्स अटैच हो जाए उसके बाद साइड की सिलाई नाप लीजिएगा, साइड में कपड़ा बराबर है या नहीं। अगर बराबर नहीं हो रहा है तो आप अंदर की तरफ सिलाई लगा के उसे छोटा बड़ा बना सकते हो। दोनों स्लीव्स हमने रेडी कर दी है अटैच करके। अब हम साइड की सिलाई लगाएंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, बाहर की ओर सिलाई लगा देंगे कपड़े को सीधा करके। एकदम किनारे पर सिलाई लगानी है, इससे कपड़े के धागे बाहर नहीं आएंगे और हमें ओवरलॉक करने की भी जरूरत नहीं होगी। जो भी कपड़ा हमने सिलाई में लिया है स्लीव्स में, वो आप ऊपर की तरफ कर दीजिए, यानी कि स्लीव्स की तरफ कर दीजिए, ब्लाउज की तरफ ना रखे, स्लीव्स की तरफ कर दीजिए। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दीजिए, पूरा भी ना करें कि सिलाई निकल जाए, थोड़ा सा कपड़ा रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दीजिए। अब हम ब्लाउज को पलटकर उल्टा करेंगे और अंदर की तरफ फिटिंग की स्टिच का मार्क करेंगे और फिटिंग की स्टिच लगा लेंगे। पहले आप बिना निशान के ही सिलाई लगा लें, उसके बाद फिटिंग की स्टिच का चौक से मार्क कीजिए इंच टेप और चौक की हेल्प से, फिर सिलाई लगाएं। एकदम सीधी सिलाई लगेगी। अगर ब्लाउज की कटिंग अच्छे से हो तो फिटिंग भी बहुत ही एकदम इजीली हो जाती है। अब हम चेस्ट का साइज नाप लेते हैं, बराबर है या नहीं। ये थोड़ा सा बड़ा है तो हमें यहाँ पर सिलाई और लगानी होगी। कमर का भी साइज नाप लीजिए। ठीक है, इतने से सिलाई और लगेगी, वो भी हम लगा लेंगे। और ब्लाउज की स्लीव्स की गोलाई का निशान भी लगा लीजिए। इस तरीके से पूरा चौक से निशान लगाते हुए लगाएंगे तो फटाफट सिलाई हो जाएगी। ठीक है, दोनों तरफ बराबर सिलाई लगाएगा, ऐसा नहीं कि एक तरफ हम मार्जिन में कपड़ा ज्यादा ले ले और एक तरफ में कम ले, इससे ब्लाउज आपका टेढ़ा हो सकता है। उसके बाद हम इसमें से बांधने वाली डोरिया लगानी है और हमारा ब्लाउज जो है बनकर रेडी हो जाएगा। अगर आप हैवी साइज के लिए बना रहे तो बेल्ट वाला ही बनाइएगा। अगर आप 33, 34 या 36 इंच तक बना रहे तो बिना बेल्ट वाला ब्लाउज भी बना सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा बना लीजिए। लेकिन हैवी साइज के लिए बेल्ट वाला ब्लाउज ज्यादा फिटिंग रहता है। इसमें हुक तो बैक साइड में ही होंगे क्योंकि फ्रंट की तरफ में इसमें वर्क दे रखा है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।